कांग्रेस पार्टी आज गांधी परिवार मुक्त हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्ष पद से, अंतरिम अध्यक्ष पद से विदाई हुई। अपने विदाई भाषण में सोनिया गांधी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अब वो काफी राहत महसूस कर रही हैं कि उनके कंधों पर से एक बड़ा भार हट गया है। सच कहूं तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूं। मौका मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी का था। कांग्रेस दफ्तर में सोनिया के नाम के खूब जयकारे लगे। सोनिया गांधी जी के लिए तीन नारे लगाएं, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। उन नारों ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदा ले रही सोनिया को भावुक कर दिया। करीब तीन साल से वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ, राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने तो लाजमी है। गांधी परिवार पार्टी को पारिवारिक विरासत बनाने वाले आरोपों से फिलहाल मुक्त हो गया है। यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। अपने विदाई भाषण में सोनिया गांधी ने नए अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही पार्टी की चुनौतियां भी गिनाई। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। कांग्रेस अब गांधी परिवार मुक्त हो गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में पार्टी की कमान है। देखना होगा कि ये बदलाव देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए कैसा साबित होता है। आज तक ब्यूरो। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है। ये कांटों का ताज है। खड़गे के सामने कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के अलावा इसे कांग्रेस पार्टी को जीत के रास्ते पर लाने की एक बड़ी चुनौती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो इस चुनौती पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूँ। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूँ, एक प्राइमरी मेंबर्स, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूँ और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूँ। मैंने खुद हर वक्त मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से
आप गुजरते हैं मैं उनसे वाकिफ हूं, इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आज से कांग्रेस पार्टी में खड़गे युग की शुरुआत हो गई है। अध्यक्ष पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने खड़गे को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए बलि का बकरा अभी से चुन लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल ली। सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी के बॉस बन गए। अध्यक्ष पद संभालते ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी आरएसएस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है? कार्यक्रम कांग्रेस दफ्तर में था। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया और राहुल ने गुलदस्ता देकर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया और फिर सोनिया ने उन्हें बधाई दी। वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, लिहाजा कुर्सी संभालते ही वो एक्शन में है। उधर बीजेपी तंज कर रही है कि कांग्रेस ने उन्हें गुजरात और हिमाचल चुनावों के लिए बलि का बकरा बना दिया है। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बापू की समाधि पर गए, फिर गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों को नमन किया, नेहरू, इंदिरा और राजीव की समाधि पर गए और तब जाकर नई जिम्मेदारियां संभाली। मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। दिलचस्प ये है कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे तो दूसरी ओर पार्टी के कुछ दिग्गज राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापिस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, जो दे रहे हैं। वो ऑप्शन ऑप्ट आउट किया। इस परिस्थिति में जो भी सबसे मान्य कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में रहते वो चुन के आए। मल्लिकार्जुन खड़गे की हजार चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती शायद यही होगी, पार्टी की सोच और जुबान एक कैसे हो। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।